नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, उन्हें प्रभावित करता है। वही दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उन्हें टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और यह जो टीबी होता है, वह किसी भी उम्र में किसी भी को हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किन तीन तरीकों से, आयुर्वेदिक तरीकों से आप टीबी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो तीन आयुर्वेदिक तरीके हैं, यह टीबी को कम करने में, टीबी को ख़त्म करने में आपके लिए बहुत ही मददगार होते हैं। दोस्तों, पहला नुस्खा है, टीबी में रोगी को काफ़ी खांसी होती है और उसे लगातार खांसी और बैक्टीरिया के कारण छाती में काफ़ी सूजन आ जाती है। तो उसके सूजन को कम करने के लिए वह काली मिर्च का उपयोग कर सकता है। काली मिर्च सूजन को कम करती है और उसके अलावा फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से होने वाले दर्द में भी राहत पहुंचाती है। काली मिर्च आपके फेफड़ों की सफाई भी करती है। आप 8 से 10 काली मिर्च बटर में डालकर भून लें, उसमें एक चुटकी ऐसा फेटिडा पाउडर भी डाल लें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। अब इसे 3 खुराकों में दिन में 3 बार कुछ कुछ घंटों के अंतराल में लेते रहें। आप दूसरा नुस्खा यह अपना सकते हैं कि आप आधा ग्लास प्याज का रस लीजिए और उस आधे ग्लास प्याज के रस में एक चुटकी हींग डालकर सुबह खाली पेट पीजिए। इससे आपके टीबी के उपचार में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप तीसरा तरीका यह अपना सकते हैं कि आप एक ग्लास दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी मिलाकर उबालें और ठंडा करके इसे रात को सोने से पहले पिएं। इससे टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।